लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ चुका है। देश की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को एनडीए की घटक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही टीडीपी नेता चंद्र बाबू नायडू भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए को अपना फुल सपोर्ट देते हुए कहा कि केंद्र में अविलंब सरकार का गठन होना चाहिए। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद सारे राजनीतिक किंतु परंतु पर विराम लग चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, जो पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम है। प्रमुख सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने आंध्र प्रदेश और बिहार में क्रमशः 16 और 12 सीटें जीती हैं। इन दोनों और अन्य गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में स्पष्ट बहुमत से पीछे रह जाने के कारण इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आपको बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि नीतीश कुमार की पहल पर ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू हुई थी। शरद पवार से लेकर वाम मोर्चा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने थे। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। साथ ही साथ वो इंडिया गठबंधन से भी अलग हो गए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है। एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता कहलाएंगे। सूत्रों के हवालों से ऐसा बताया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्र बाबू नायडू चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार गठन की प्रक्रिया पर तेजी से काम करे। एनडीए की बुधवार को हुई बैठक में सरकार बनाने पर चर्चा हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि एनडीए के सहयोगी दलों को कौन से मंत्रालय सौंपे जाने हैं। खबर है कि टीडीपी और जेडीयू ने गृह, रक्षा, वित्त, रेल जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। बैठक में नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा भी शामिल थे। एनडीए की मीटिंग में सभी की निगाहें जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पर ही थी, जो इस बार सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल टीडीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें जीती हैं, जबकि जेडीयू ने बिहार की 40 में से 12 सीटें जीती हैं। बीजेपी इस बार केवल 240 लोकसभा सीटों पर जीत के साथ बहुमत से पीछे रह गई। सहयोगियों की मदद से एनडीए ने 293 सीटें हासिल की हैं और बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।